एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित धैपा गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान हीरा लाल है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1450 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में लगभग 420 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 1000 मीटर सीसी टाइल्स रोड एवं सीसी रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 242 शौचालय, स्कूल में मरम्मत कार्य तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का भी निर्माण कराया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गांव में 26 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 108 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 120 आवास, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। बोलिए। मैं हीरा लाल, ग्राम पंचायत धैपा प्रधान और ब्लॉक संभल से हूँ। मेरे गांव में जो भी धनराशि सरकार से आई है अब तक उसका सदुपयोग हुआ है। निर्माण कार्य जारी है और लगभग 242 जो है शौचालय गांव में निर्माण हो चुके हैं और शेष जो हैं वो होने को रहे हैं। लगातार काम जारी है और 10 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हाँ, और करीब 26 हैंडपम्प हैं वर्तमान में, अभी 24-25 हैंडपम्प और आवश्यकता है। और जो विद्यालय है गांव का प्राइमरी और जूनियर, उसमें सभी विकास कार्यों के संबंध में जो काम चल रहा है, शौचालय निर्माण हुआ है, समरसेबल हुआ है, टैंक रखा हुआ है, टंकी फिटिंग हुआ है, इस प्रकार से। और अभी शेष गाँव में जो काम होने बाकी हैं उनके लिए धन की विशेष आवश्यकता है। सरकार जितना भी धन मुहैया कराएगी उसका सदुपयोग किया जाएगा। निर्माण कार्य में लगातार मैं लगा हुआ हूँ और भविष्य में मैं पूर्ण सहयोग करूँगा गाँव वालों का। प्रधानमंत्री आवास के लिए जो आवास की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि अभी निर्धनता गांव में बड़ी व्याप्त है, लोगों के मकान क्षीण हैं, उनको अभी आवासों की ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, मेरा नाम जयपाल सिंह है और मैं यहाँ धैपा का रहने वाला हूँ। ये जो रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता प्रधान जी ने कराया है और बड़े किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है उनके अंदर। पूरे गाँव को समानता की दृष्टि से देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो पूरे गाँव में विकास कार्य करा रहे हैं। किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं है हमारे प्रधान जी से। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये काम है, नाली हैं और ये जो सीसी टाइल्स बिछी हुई हैं, ये सब कुछ मेरी नज़र में तो अच्छा ही है। यहाँ जो पहले इतना गंदगी थी कि यहाँ पे बहुत मच्छर थे, अब मच्छरों से भी निजात मिल रही है, लोग आराम से सोते हैं, क्योंकि यहाँ रोज़ाना सफाई भी होती है, सफाई कर्मी भी आता है।